नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? पहले आप पूरा वीडियो देखिए, फिर कमेंट करके बताइए। देश और देश के नागरिकों को नेता रूपी काले अंग्रेज भ्रष्टाचारी करके लूटने का काम कर रहे हैं और जनता के पैसे से अयाशी कर रहे हैं। 99% नेता देश और जनता की भलाई के लिए नहीं, अपना और अपने परिवार की भलाई के लिए जनता के पैसा घोटाला करके लूट रहे हैं। ये सभी नेता देश और जनता का सेवा नहीं, केवल अपने परिवार का सेवा करते हैं और शासन सत्ता का मलाई काटते हैं। आइए डेमोक्रेसी की असली खेला को समझते हैं। मीडिया से विपक्षी पार्टी की आवाज को खत्म कर देना, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का वेपनाइजेशन के रूप में इस्तेमाल करना, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर विपक्षी पार्टी को जेल भेज देना, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर विपक्ष के नेताओं को जबरन अपने पार्टी में शामिल कर लेना, अगर नेता नहीं माना तो पैसा मुंह में ठूस दिया जाता है, अगर इससे भी नहीं माना तो जेल भेज दिया जाता है, राज्य सरकार के काम में इंटरफेयर करना, राज्यपाल का इस्तेमाल करके राज्यों का फंड होल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना, अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो पुलिस लाठी डंडों, आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट से स्वागत करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कंपनियों से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके जबरन पैसा वसूलना, अगर कोई विपक्षी चुनाव जीत भी जाए तो इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रशासन का दबाव बनाकर वोट को अनवैलिड कराकर बीडीसी जिला पंचायत वोटर को 10 दिन पहले जबरन किडनैप करके मुंह में पैसा ठूस कर वोट ले लेना, महिलाओं पर अत्याचार करके 50% महिला आरक्षण को ना देना, बेरोजगार युवाओं पर अत्याचार, नौकरियों के नाम पर ठगी, पेपर का लीक हो जाना, किसानों के ऊपर अत्याचार करना, एमएसपी गारंटी कानून ना लागू करना। आरोप यह भी तो लगता है कि राजनीतिक पार्टियां टिकट को करोड़ों में बेचती हैं, तो गरीबों के पास तो इतना पैसा नहीं होता है कि ये टिकट खरीद सके, जो देश और जनता का भला करने के बजाय अपने परिवार का भला करता है। जीतने के बाद सभी नेता के बड़े बड़े शहरों में मकान, जमीन, करोड़ों बैंक बैलेंस, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खरीद लेते हैं और गरीबों का जमीन जबरन कब्जा करने और लिखवा लेना। चुनाव जीतने के बाद नेता का परिवार ऐश करता है और परिवार और रिश्तेदार खुद को मंत्री मानने लगते हैं। नेताओं के डर से किसी गरीब शोषित व्यक्ति का एफआईआर तक दर्ज नहीं होता। कुछ लोग को लगता है कि देश में रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं, आप वोट डालने जाते हैं तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। इलेक्शन तो दक्षिण कोरिया में भी होता है। अगर आप सरकार के चुने हुए कैंडिडेट को वोट नहीं डालोगे तो आपको देश विरोधी कंसीडर किया जाता है और आपकी नौकरी और घर को छीन लिया जाता है। वहां पर तानाशाही का सरकार चलता आ रहा है। इलेक्शन तो रशिया में भी होता है, लेकिन इसे डिक्टेटर कंसीडर किया जाता है। जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होता है, किसी न किसी कारण से डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी अचानक से मार दिया जाता है। इससे एक बात तो साफ हो जानी चाहिए कि केवल इलेक्शन हो जाने से देश डेमोक्रेटिक नहीं बन जाता है, इलेक्शन स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ, 8 वोट कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी का इनवैलिड करके बीजेपी नेता को जिता दिया गया और यह इलेक्शन फ्रॉड सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया और जांच में इलेक्शन फ्रॉड पकड़ा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। असम में एक बीजेपी कैंडिडेट के गाड़ी में ईवीएम मशीन पकड़ी जाती है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन को रीपोल ऑर्डर करना पड़ा। क्या यहां मजाक चल रहा है? क्या हमारे भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो पा रहा है? 2014 के चुनाव के पहले मोदी जी ने आरोप लगाए थे कि चुनाव पार्शियल और बायस्ड है, हालांकि इसके बाद हुए चुनाव में मोदी जी चुनाव जीत गए थे। प्रशांत किशोर ने खुद कहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक्सटेंशन है, कमीशन को ऐसा बैंड किया गया है कि फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। आजकल चुनाव आयोग एमपी एमएलए इलेक्शन में खर्च का लिमिट लगा रखा है, एमपी इलेक्शन में 95 लाख खर्च कर सकते हैं। बीजेपी ने 437 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसका खर्च लिमिट 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होना था।
लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 1200 करोड़ से अधिक खर्चा लिखा गया है। लेकिन सेंट्रल फार मीडिया ने बताया था कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में 27,000 करोड़ खर्चा किया था। कोई भी गरीब या समाज सेवी पार्टी से टिकट खरीदने और चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए कहां से ला पाएगा? अगर कहीं विपक्षी पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो उस सरकार को गिरा दिया जाता है। बार बार विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी एमएलए को एक रिसोर्ट में लेकर जाती है और उससे उसके मुंह में पैसा ठूस कर मुंह बंद कर देती है। इसकी सच्चाई जानने के लिए ईडी सीबीआई को जांच करना चाहिए। अगर इससे भी कोई नेता नहीं माना तो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी किसी विपक्षी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो अगर भ्रष्टाचार नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तो सारे केस बंद कर दिए जाते हैं। बीजेपी नेता अटल जी ने कहा था, जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। लेकिन बीजेपी का साबुन तो सबको साफ कर देती है। पैसे के लालच और ईडी सीबीआई के प्रेशर के बाद भी अगर कोई विपक्षी नेता बीजेपी को ज्वाइन नहीं करता है तो उसे जेल में ठूस दिया जाता है। राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अभिषेक बनर्जी, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी, अगर ये सब बीजेपी आज ज्वाइन कर लें तो आज ही सीबीआई के जितने भी केस हैं सब बंद हो जाएंगे और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे। अगर मोदी जी को सही में देश की चिंता है तो डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए। अगर आप सभी को वास्तव में देश की चिंता है तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी पार्टी और जो भी कंपनियां चंदा नहीं दे रही हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। गोदी मीडिया बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराती है। एमएसपी गारंटी कानून न लागू करने के लिए किसान को खालिस्तानी आतंकवादी बताया जाता है, जिसमें 600 से अधिक किसानों की जान चली गई। एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए मोदी जी और कितने किसानों की जान लेना चाहते हैं? महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार, घरेलू हिंसा की शिकार हो रही महिलाओं को 50% आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए ताकि महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके, ताकि कोई महिलाओं का शोषण न कर सके। आज के दिन टीवी न्यूज चैनल जाकर बीजेपी के गोद में बैठ गया है। टीवी चैनल जनता की आवाज उठाने के बजाय दबाने का काम करती है और बीजेपी का प्रचार प्रसार करती है। वहीं मणिपुर में महिला को बंदूक की नोक पर नंगा करके रोड पर दौड़ाया गया और हैवानियत किया गया। पुलिस ताकती रही, मीडिया बीजेपी के गोद में बैठी ताकती रही। स्पैनिश महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करके पैसे और सामान को लूट लिया गया। दरिंदों ने देश और महिलाओं को शर्मसार कर दिया। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हुआ। चर्चित निर्भया कांड जैसी लाखों महिलाओं पर अत्याचार होता रहता है। वहीं आयुष्मान भारत स्कीम में 9 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 3 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे। करोड़ों रुपए खर्च किए गए 3,446 पेशेंट के इलाज पर, जिन्हें ऑलरेडी मुर्दा घोषित कर दिया गया था। तब सीएजी के ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया गया। भारत में परीक्षा से पहले पेपर लीक हो रहे हैं और नौकरियों के नाम पर लूट हो रही है। बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं को प्रोटेस्ट करने पर पुलिस लाठी डंडों से पीटती है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ती है और रबर बुलेट से किसानों पर हमला करती है, जिसमें 3 किसानों की आंखें चली गई। जब इतने बड़े बड़े महिला पहलवानों को बीजेपी नेता ने अपना शिकार बनाया और यौन शोषण का आरोप लगा लेकिन कुछ नहीं हुआ तो आम महिलाओं का क्या होगा? बीजेपी नेता अजय मिश्रा टेनी का बेटा किसानों और पत्रकारों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया और किसान आंदोलन में 600 से अधिक किसान शहीद हो गए। लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को किसान, बेरोजगार, महिला, ये सभी मच्छर की तरह लगते हैं, इसीलिए इनके मरने पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार का फंडा है, चंदा दो, बड़े बड़े टेंडर लो के तहत ईडी सीबीआई छापा मारो, वसूली करो के तहत बीजेपी और सभी पार्टियों को करोड़ों में इलेक्टोरल बांड से चंदा मिला है। कोई भी सरकारी टेंडर होता है तो सरकार का
कमीशन पहले ही सेट हो जाता है। सबसे अधिक इलेक्टोरल बांड से बीजेपी को 6000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला है। तृणमूल कांग्रेस को 1600 करोड़ से अधिक चंदा मिला है। कांग्रेस को 1400 करोड़ से अधिक चंदा मिला है। बीआरएस को 1400 करोड़ से अधिक चंदा मिला है। बीजू जनता दल को 700 करोड़ से अधिक। आम आदमी पार्टी को 65 करोड़ से अधिक चंदा मिला है। अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक सभी पार्टियों को मिलाकर 12,769 करोड़ का इलेक्टोरल बांड के तहत चंदा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड पर थोड़ा लेट फैसला लिया और डेमोक्रेसी को बचा लिया और जनता के फेवर में फैसला लिया। सरकार को अकाउंटेबल ठहराने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, मीडिया का भी, सिविल सोसाइटी, जनता, सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल बीत जाने पर भी अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, लेकिन मनमोहन जी ने 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। इस देश में बेरोजगारों, किसानों और महिलाओं पर सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है और महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र अभी भी बचा है? अगर हालत ऐसा ही बिगड़ता रहा तो दक्षिण कोरिया और रसिया तक के लेवल में गिरने में समय नहीं लगेगा। इन सभी पहलुओं पर आप जरूर विचार कीजिएगा। जय हिंद। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।